जो शख्स बरतानिया की सरजमीन पर, जिसके बारे में कहा जाता है कि सबसे पहला मुसलमान हुआ, उसका उस शख्स का नाम था अब्दुल्ला क्विलियम। उस शख्स को बरतानिया के लोगों ने वहाँ रहने नहीं दिया, वो लिवरपूल का था, वहाँ से उसको हिजरत करना पड़ी और बहुत सारा अरसा वो तुर्की वगैरह में गुजार के फिर जब वो वापस आया है तो उसने लंदन के एक इलाके में गुमनामी की ज़िंदगी गुजारी अपने किसी दोस्त के पास, और जहाँ वो फौत हुआ है और जहाँ उसको दफनाया गया है उसके यानी कब्र वगैरह का जो लोगों को बताया नहीं गया, क्यों? इसलिए कि लोग उसके ख़िलाफ़ थे। और उसका जो सन वफ़ात है वो 1932 है। आप ये अंदाज़ा करें, ये जो वाकयात जिन वाकयात को बुनियाद बनाकर आज कहा जा रहा है, ये तो आज की बात है, डार्क एजेस की बातें नहीं है, जो डार्क एजेस की बातें नहीं है। और वो शख्स जिसने 1908 के अंदर वहाँ पे एक इस्लामिक सेंटर बनाया था लिवरपूल के अंदर, और जिसने उस वक्त इस्लाम की बात की थी और कहा यह जाता है कि वो ऐसा मुखलिस मुसलमान था और उसकी बात के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी कोई चाशनी और ऐसी कशिश रखी थी कि 600 लोग जो हैं वो उसकी उसके हाथ पर मुसलमान हुए। ये पहला मुसलमान था और इसने 600 मुसलमान वहाँ किए। मतलब वैसे तो बाहर से आने वाले मुसलमान तो वहाँ उस सरजमीन पे बहुत सारे थे, लेकिन ये वहाँ की लोकल आबादी में से मुसलमान जो है वो पहला मुसलमान था और उसने बहुत सारे मुसलमान किए। लेकिन उस लोकल आबादी जो नस्लन उनका था, जो गोरा था, गोरी चमड़ी वाला था, लेकिन वो मुसलमान हो गया और उसका ये मुसलमान होना ऐसा जुर्म था कि उन्होंने उसको वहाँ से निकाल बाहर किया और उसको वहाँ पे ज़िंदगी गुजारना, उसकी ज़िंदगी अजीरन कर दी। तो वो मगरब जो है वो अपना चेहरा देखे और अपनी तारीख देखे कि मुसलमानों की छोटे छोटे वाक़यात को बहाना बनाकर वो ये बात करता है। मैं ये समझता हूँ कि इस पर एक पूरी दुनिया में एक डिबेट होनी चाहिए और मुसलमानों को एकेडेमिकली भी और प्रैक्टिकली भी इसका मुकाबला करना चाहिए। यह जो मुसलमानों की ख्वाहिश है कि हम गैर मुसलमों के साथ कंफर्टेबली उन जैसे बन के रह सकते हैं, जो आप बात कर रहे थे कि लोग जो हैं वो इस तरह सोचना शुरू हो गए हैं कि अब हम ख़वातीन जो हैं वो अबाया वगैरह ना पहने और ताकि लोगों को पता ना चले कि मुसलमान हैं और इस तरह के वाक़यात रूनमा ना हों, ये अब की बात नहीं है। इससे पहले मैं ऐसी यूके के अंदर ऐसी फैमिलीज़ को जानता हूँ जो अबाया सिर्फ इसलिए नहीं ख़वातीन पहनती कि ताकि लोगों को पता ना चले कि हम मुसलमान हैं और इस तरह की हरकतें वो ना करें। यानी आप अखलाकी हालत का अंदाज़ा तो करें। यानी यहाँ कहा जाता है हमारे मुल्क के अंदर कि यहाँ ख़वातीन महफूज नहीं हैं और जो सड़कों पे निकलती हैं तो लोग उनको घूरते हैं, या इस तरह की बात, ये जो कहा जाता है। बहुत सारी खराबियाँ इस मुआशरे में भी हैं, हम इसको डिफेंड नहीं करते, लेकिन आप उस मुआशरे का अंदाज़ा करें जहाँ एक मुसलमान खातून सिर्फ इसलिए अबाया नहीं पहनती कि मैं अगर अबाया पहन के जाऊँगी तो मुझे ख़तरा है और मैं अबाया पहने बगैर जाऊँगी तो मुझे ख़तरा नहीं है। इसी तरह लोग दाढ़ियाँ नहीं रखते कि हम मुसलमान नहीं लगेंगे तो फिर हमें ख़तरा नहीं है उन जैसे बन के। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के वाक़यात को और इस तरह के सानहात को देखकर अब मुसलमानों को इबरत पकड़नी चाहिए और अपना क़िबला दुरुस्त कर लेना चाहिए। ये ख्वाहिश उनकी कि हम उन जैसे बन के कम्फर्टेबली रह सकते हैं, अगरचे कुरान ने कह दिया कि वो कभी वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्ताबिया मिल्लत हम, जब तक आप उनके दीन की पैरवी ना करेंगे वो आपसे कभी खुश नहीं होंगे, आप जब तक मुसलमान हैं। बोस्निया में क्या हुआ यूसुफ साहब? बोस्निया के मुसलमान वो तो उन्हीं जैसे थे, उन्हीं का इलाका था, उन्हीं का इलाका था, उन्हीं जैसे थे। उन बेचारों को तो पता ही नहीं था इस्लाम क्या है। उनका कसूर सिर्फ ये था कि वो अपने आप को मुसलमान कहते थे और हो सकता है किसी को कलमा भी ना आता हो, उनके नाम मुसलमानों वाले थे और वो ये समझते थे कि हम मुसलमान हैं। उनका सिर्फ ये कसूर भी उनको ज़िंदा रहने का हक ना दिला सका कि उन्होंने उनको भी एक इज्तिमाई कब्रें इतनी बड़ी बड़ी और क्या क्या मजालिम है जो वहाँ निधाए गए। तो कहने की बात यह है कि मुसलमानों को ये समझ लेना चाहिए और ये वाला जो मुसलमानों का तरीक़ाकार है कि हम उन जैसे बनकर कंफर्टेबली रह लेंगे, इससे अब मुसलमानों को ग्रेज करना चाहिए, मुकाबला करना है, एकेडेमिकली भी करना है, प्रैक्टिकली भी करना है, फौजी मैदान में भी करना है और टेक्नोलॉजी के मैदान में भी करना है, हर चीज़ के मैदान में भी करना है। नाज़रीन, यानी ये बात गलत है कि ये 9/11 का रद्द अमल है, ये फलां वाक़या का रद्द अमल है। इसकी जड़ें तारीखी शऊर में गड़ी हैं, उनकी दानश उन्हें ये बता रही है और इसके मज़ाहिर हमें मुख्तलिफ जगह पर नज़र आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब की बात का खुलासा यही है कि ये कबूतर की तरह आँखें बंद कर लेने से इस बिल्ली से बचा नहीं जा सकता। इस्लामोफोबिया एक रद्द अमल है। और कितनी अजीब बात है जो डॉक्टर साहब ने हमें बताई कि पहला शख्स जो ब्रिटिश था, महज इस जुर्म में उसे हिजरत करना पड़ी, अपने मुल्क में रहने नहीं दिया गया, गुमनामी की ज़िंदगी बसर की, उनकी कब्र गुमनामी में है कि पता नहीं कहाँ है।
बिल्कुल वही कैफियत है जो नबी सुल्तान के साथ अहले मक्का ने की, उन्हीं में से थे, उनके रिश्तेदार थे, खूनी रिश्ता था, सादिक और अमीन कहते थे, लेकिन फ़र्क इस्लाम से पड़ता है। और ये कल भी पड़ रहा था, आज भी पड़ रहा है, हमें ये जानना चाहिए। और आंखें बंद कर लेना इसका हल नहीं है, मुसलमान अलग हैं और गैर मुस्लिम अलग हैं, आप कभी इस तरह से आंखें बंद करके इकट्ठे नहीं रह सकते। ये तफसील है इस इजमाल की, बहरहाल इस पर गौर होना चाहिए, सूरत हाल वरना बद से बदतर होती जाएगी।